अपनों को बेगाना समझा, लानत है। वाह रे तेरा गोरख धंधा, लानत है। हाकिम को सब चिट्ठी लिखो सबके सब, और नीचे बस इतना लिखना, लानत है। दुनिया के हर विषय पे बात करने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास समय है, लेकिन महिलाओं की इज्जत लूटेगी तो नहीं बोलेंगे। हम आप मणिपुर की बात करोगे तो वो कहेंगे राजस्थान पे बात करिए, आप मणिपुर की महिलाओं पे बात करेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं आप छत्तीसगढ़ पे बात करिए। किसी का एक शेर है कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। पुरानी संसद में बात करने के लिए ना तो प्रधानमंत्री उपलब्ध है, ना सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो फिर नई संसद बनवाने की जरूरत क्या थी। तो प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट इस बीच पूरी भाजपा को, पूरे एनडीए को हिट विकेट करवा रही है। दरअसल इंडियन मुजाहिदीन, मुझे तो हैरत है कि देश का प्रधानमंत्री एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया शब्द की तुलना कर रहा है, ये बहुत शर्मनाक है। इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। नमस्कार। अमृतकाल में इंडिया के सांसदों को धरने पर बैठना पड़ रहा है क्योंकि बहुत बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में मणिपुर पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो भाई, इतना बोलने वाले प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ नागरिकों के कहने पर भी क्यों नहीं बोल रहे हैं, इस पर बात करने के लिए संसद के बाहर धरने पर दिन रात बैठे सांसद इमरान प्रताप गढ़ी जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है इमरान जी, कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए। शुक्रिया, ठीक हूँ, दुखी संसद हूँ, के बाहर रातें कैसे गला कट रही बैठा हैं हुआ इमरान है। जी? जी हम संसद की दीवारों को निहारते रहते हैं और हम सोचते हैं कि एक तरफ पुरानी संसद है जहां अभी सत्र चल रहा है, और एक तरफ नई संसद बनाई गई है हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, जिसमें आने वाले दिनों में सत्र चलेगा। लेकिन फिर सोचते हैं कि जब पुरानी संसद में बात करने के लिए ना तो प्रधानमंत्री उपलब्ध है, ना सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो फिर नई संसद बनवाने की जरूरत क्या थी, जब आप लोकतंत्र की और संसदीय मर्यादाओं की जो परंपराएं हैं उनको निभाएंगे ही नहीं, तो फिर नई संसद बनवाने की जरूरत क्या थी, हम यही सोचते रहते हैं। इमरान जी, आपको लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव से नरेंद्र मोदी जी को बुलवा सकते हैं आप? देखिए प्रज्ञा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं पहले दिन से इस पूरे प्रकरण को अगर उस पर जिक्र करूं तो प्रधानमंत्री जी ने 36 सेकंड मणिपुर पर बोला सदन के बाहर, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट और वायरल वीडियो दोनों देश के सामने थे, दुनिया के सामने थे, मजबूर होकर के उन्हें 36 सेकंड बोलना पड़ा। लेकिन उसके बाद ना तो वो सदन में बात करने को तैयार है और ना ही सरकार चर्चा के लिए तैयार है। एक दिन में 51 नोटिस 267 के, आज 42 नोटिस 267 के, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं हम चर्चा के लिए तैयार नहीं है। हम आप मणिपुर की बात करोगे तो वो कहेंगे राजस्थान पे बात करिए, आप मणिपुर की महिलाओं पे बात करेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं आप छत्तीसगढ़ पे बात करिए। मुझे कभी कभी हैरत होती है, और मीडिया के भी सवाल हमसे यही है कि आप लोग क्यों चर्चा के लिए तैयार नहीं, विपक्ष क्यों नहीं चर्चा चाहता जब वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तैयार है। तो किसी का एक शेर है कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। आखिर 165 से ज्यादा मौतें बिना कपड़ों के, मैं वो शब्द, कड़वा शब्द इस्तेमाल करूं कि नंगा करके परेड कराई गई महिलाएं, उनके पीछे खड़ा हुआ हजारों का हुजूम। मणिपुर के मुख्यमंत्री का एक टीवी चैनल पे ये कहना कि आप इस तरह की एक घटना की बात करते हैं, ऐसे तो सैकड़ों घटनाएं हैं, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। माननीय गवर्नर साहिबा का, मणिपुर की गवर्नर साहिबा का एक टीवी चैनल पे ये कहना कि मैं खुद बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, और बड़ा खुल करके, कभी कोई राज्यपाल उस तरह से बोलता नहीं जिस तरह से उन्होंने बोला। आखिर इसके बाद फिर गुंजाइश कहां बचती है, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? इससे ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री है किस लिए? यही मेरा क्या सवाल फ्रांस में आपसे है जाकर, कि प्रधानमंत्री आखिर क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं, इतना जतन आप लोगों को क्यों यही करना पड़ रहा है? प्रज्ञा जी यही मेरा भी सवाल है, और मेरा ख्याल इस देश के हर अमन पसंद इंसान का, जिसके अंदर इंसानियत है, जिसे जरा सा भी दर्द है उसके सीने में। मुझे कभी कभी लगता है क्या प्रधानमंत्री जी मणिपुर को सिर्फ चुनावी समय तक अपना हिस्सा मानते हैं, भारत का हिस्सा मानते हैं? मुझे कभी कभी हैरत होती है कि इतनी सारी लाशें बिछने के बाद, जलते हुए घर देखने के बाद,
और वो जो एक वीडियो दुनिया के सामने आया है, मुझे लगता है कि इंटरनेट 2 महीने से लगभग बंद है वहां पर। जिस दिन इंटरनेट बैन पूरी तरह खुलेगा, शायद इस तरह के बहुत सारे विजुअल देश दुनिया के सामने आए, ऊपर वाला करे ना आए, हम दुआ करते हैं, लेकिन ऐसी संभावना है, क्योंकि जिस तरह का विजुअल एक दो हम लोगों ने देखा है वो तो बहुत ही विभत्स है, दुखी करने वाला। उसके बाद प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलेंगे? प्रधानमंत्री विदेश में जाएंगे, वहां सीनेट में बोलेंगे, अप्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे तो इवेंट बना करके बोलेंगे, शिखर धवन की उंगली में चोट लगेगा तो ट्वीट करेंगे। दुनिया के हर विषय पे बात करने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास समय है, लेकिन महिलाओं की इज्जत लूटेगी तो नहीं बोलेंगे, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया जाएगा तो नहीं बोलेंगे, हाथरस में एक दलित बिटिया को रात के 2 बजे उसकी लाश को जबरन जला दिया जाएगा घर वालों की मर्जी के खिलाफ, तब भी नहीं बोलेंगे, आसिफा का रेप होगा कठुआ में, तब भी नहीं बोलेंगे। नारे तो ये थे कि बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार। आखिर प्रधानमंत्री जी कब बोलेंगे और क्यों नहीं बोलेंगे, किस उनको लिए डर है है इमरान प्रताप प्रधानमंत्री? गढ़ी जी, डर है नरेंद्र मोदी जी को, आप लोग सब घेर लेंगे। अब नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे आकर के मणिपुर पर, तो आप पूछेंगे आप फ्रांस चले गए जब मणिपुर जल रहा था 3 महीने से, आप कहाँ थे, आप मिस्र चले गए थे, आप विदेशों में घूम रहे हैं, आप उनको घेर लेंगे नरेंद्र मोदी जी, डर रहे हैं। तो फिर आप नरेंद्र मोदी जी से जब सवाल कर रहे हैं तो उनको बता दीजिए कि हम घेरेंगे नहीं आपको, तो शायद बोलने आ जाए। आखिर प्रज्ञा जी, संसद है किस लिए, विपक्ष है किस लिए, लोकतंत्र है किस लिए, संविधान है किस लिए? इसीलिए क्योंकि पूर्व में भी प्रधानमंत्रियों ने 267 के नोटिसेस स्वीकार हुए हैं सरकारों में, और लोगों ने आकर के अपनी बात रखी है। संसद का सत्र क्यों चला रहे हैं आप, लेकिन मोदी जी जब को सवाल नई पसंद संसद नहीं है क्यों ना बनवा रहे इमरान हैं? प्रताप नहीं, गढ़ी, सवाल मोदी सवाल जी को हाँ सवाल बिल्कुल, नहीं पसंद आप यही तो अफसोस है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को सवाल पसंद नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को हिंसा पसंद है, हिंसा पे बात नहीं करेंगे वो। हमारे देश के प्रधानमंत्री को महंगाई पसंद है, महंगाई पे बात नहीं करेंगे वो। हमारे प्रधानमंत्री को करप्शन पसंद है, वो अडानी की 20,000 करोड़ की जो सिंगापुर की कंपनियों के अघोषित पैसे हैं उस पे बात नहीं करेंगे। ये सब पे बात उन्होंने नहीं की, कई कई सत्र गुजर गए, चलिए ठीक है, लेकिन क्या इस देश की बेटियों की इज्जतें लूटेंगी सरेआम सड़कों पर? तो फिर अगर द्रौपदी का चीर हरण हुआ और शासक जो है वो चुप रहा, इतिहास ने उसे धृतराष्ट्र कहा ना, तो अगर आप अब भी चुप रहेंगे, नहीं बोलेंगे, तो फिर विपक्ष क्या करे? मेरा तो सवाल ये है कि मैंने कहा ना, तुझको कितनों का जी। लहू चाहिए अर्ज़ वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितनी और इस तरह की घटनाओं के बाद आप सदन में बोलने के लिए तैयार होंगे, आपके मंत्री बोलने के लिए तैयार होंगे? आखिर कब तैयार होंगे? एक कारगिल के पूर्व सैनिक ने, जिसने भाग लिया इस देश की सरहदों की हिफाजत के लिए, सीनों पर गोलियां झेलने की हिम्मत दिखाई हो, उसकी बीवी को परेड कराई गई बिना कपड़ों के, और प्रधानमंत्री इस पर नहीं बोलेंगे? और ऊपर से अपने अवध क्षेत्र में एक शब्द है ना कि गाड़ी के आगे काठ रखना, ये कहा जाएगा कि नहीं? हम बात आप छत्तीसगढ़ पे करिए, मणिपुर पर क्यों? आप विश्वास करें, मैं आज भी सदन में था, मैं कल भी सदन में था, मणिपुर शब्द का नारा हम लगा देते हैं, मणिपुर शब्द को ही सांसद उच्चारित कर देता है, तो सभापति महोदय कहते हैं कि नहीं, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आज स्मृति ईरानी जी बैठी थी, हमारी एक सांसद है अमी याग्निक गुजरात की, उन्होंने कहा कि महिला मंत्री जो है वो मणिपुर पर कम बोलेंगी। आप विश्वास करें, विजुअल उठा के देखिएगा, स्मृति ईरानी जी ने जिस तरह से धमकी भरे लहजे में बात की और जिस तरह जी से डांटने की कोशिश की, कि जैसे मणिपुर का नाम लेना अपराध हो गया है इस सरकार में, मुझे तो हैरत है, मणिपुर मैं तो क्यों अपनी रिकॉर्ड आंखों में से नहीं देख रहा जाएगा हूं। इमरान प्रताप गढ़ी जी? क्या क्या मणिपुर बाहर है देश से? देश का ही तो अभिन्न हिस्सा है मणिपुर। बिल्कुल यही तो मैं भी कह रहा हूं, मुझे तो प्रधानमंत्री जी के वो भाषण, आज भी मैं संसद के धरने पे बैठता हूं तो मैं वहां देखता हूं, जिसमें वो मणिपुर के बारे में क्या मीठी मीठी बातें कर रहे हैं चुनाव के टाइम में। वोट लेना है तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपका अपना है, मिजोरम जी की स्थिति किस तरह से खराब होने जा रही है आप देख रहे हैं, मेघालय में किस तरह से मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में नॉर्थ ईस्ट आपको सिर्फ चुनाव के लिए अपना लगता है? आज जब बेटियों की इज्जत लुट रही है, मुझे हैरत है कि ये सरकार क्यों चुप है, और चुप है तो हम तो उससे इतना ही कहेंगे कि अपनों को बेगाना समझा, लानत है, वाह रे तेरा गोरख धंधा, लानत है, हाकिम को सब चिट्ठी लिखो सब के सब,
और नीचे बस इतना लिखना, लानत है इस सरकार की जो कार्यशैली है, और सवालों में चर्चा में भाग लेने के बजाय चर्चा से भाग लेने की जो प्रवृत्ति है उस पे तो सिर्फ और सिर्फ लानत भेजने का ही मन करता है। जी इमरान जी, आप लोगों की तुलना यानी इंडिया की तुलना तो इंडियन मुजाहिदीन से कर दी गई है, तो आप किस अधिकार से सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री जी से आप सब? प्रज्ञा जी, मुझे लगता है कि क्रिकेट में एक शब्द होता है हिड विकेट होना, तो प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट इस बीच पूरी भाजपा को, पूरे एनडीए को हिट विकेट करवा रही है। दरअसल ये शुद्ध रूप से बौखलाहट दिख रही है। मणिपुर की चर्चा से किस तरह ध्यान हट जाए, तो प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति किस तरह की बात कर रहा है, जो खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, जिसके ट्विटर हैंडल में, जिस पार्टी के ट्विटर हैंडल में बीजेपी फॉर इंडिया है, जिसने स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, फलाना इंडिया, ढकाना इंडिया, कितने इंडिया के नाम पे प्रोग्राम शुरू कर दिए। आज जब विपक्ष ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख लिया है, तो इतना बौखला गए हैं, इतना बौखला गए हैं कि अनाप शनाप बोलने लगे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप हमें कुछ भी कहिए, आप हमें ईस्ट इंडिया कहिए, लेकिन हम तो आपसे कह रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो जल रहा है, वहां बेटियां नंगी करके परेड कराई जा रही हैं। आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। आप इंडिया, ईस्ट इंडिया, इंडियन मुजाहिदीन, मुझे तो हैरत है कि देश का प्रधानमंत्री एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया शब्द की तुलना कर रहा है, ये बहुत शर्मनाक है। इमरान जी, बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि अगर मोदी जी कह देंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह कहते हैं कि अगर शीर्ष नेतृत्व कह देगा तो मैं फिर इस्तीफा दे दूंगा। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ किसी से कह क्यों नहीं रहे हैं? सिर्फ वोट के लिए ही बोलना है क्या? दरअसल उनके मातहत जानते हैं, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे वो बीरेन सिंह हो या और भी कोई हो, वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह की चीजें पसंद आती हैं। वो पार्लियामेंट में खड़े होकर के भाषण दे रहे थे नई पार्लियामेंट के उद्घाटन के दौरान, और वहां से महज 800 मीटर की दूरी पर बेटियां घसीटी जा रही थी, और वो बेटियां कोई सामान्य बेटियां नहीं थी। वो कोई सामान्य बेटी भी घसीटी जाए तो प्रधानमंत्री को बोलना था, वो बेटियां थी जिन्होंने इस देश के लिए पदक लाए थे। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला? नहीं बोला। वो कर्नाटक में प्रचार करते रहे, वो फिर फ्रांस गए, फिर वो अमेरिका गए, फिर वो गए यूएई गए, मिस्र गए, और उधर मणिपुर धूं धूं करके जलता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास एक भी शब्द नहीं है। दरअसल उनके मुख्यमंत्री हो, उनके मंत्री हो, उनके सांसद जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटियां लूटें पिटें कुछ भी हो, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ेगा। शायद इसीलिए उनके इस्तीफे तैयार रहते हैं, लेकिन उन्हें इंतजार है प्रधानमंत्री जी के कहने का। इससे जाहिर होता है कि जितने अपराध महिलाओं के प्रति हुए हैं, उसके जवाबदेह जो लोग हैं, उनके सरों पर सीधे प्रधानमंत्री जी का हाथ है। इमरान जी, आपने संसद के बाहर एक कविता गाई थी, मैं मणिपुर हूं, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं आ रही। मैं चाहूंगी कि आप वो कविता की कुछ लाइनें अगर आप सुनाना चाहें तो। हाँ, मैंने 4-5 दिन पहले वो नज्म कही थी, जब राहुल जी जी गए थे मणिपुर और मैंने वो तमाम विजुअल देखे थे, तो मुझे लगा था कि मैं इस पीड़ा से बतौर शायर जब गुजरूं तो शायद मैं जी यूं बोलूं। और आज मैंने स्पेशल मेंशन, हम लोगों का एक प्रिविलेज होता है सांसदों का, आज मैंने लिख करके दिया है, नोटिस दिया है कि आप मुझे बोलने मत दें, लेकिन सदन में मुझे वो कविता सुनाने दें। मैं मणिपुर की सदाएं जो है वो सदन में सुनाना चाहता हूँ, देखता हूँ कल शायद परमिट किया जाए, जिसकी उम्मीद नहीं है क्योंकि मणिपुर शब्द बैन है इस समय संसद के अंदर बोलने के लिए। मैं वो कविता सुना देता हूँ कि जी दर्द अपना किसे अब सुनाए, सुनो जख्म जाकर कहाँ अब दिखाए, सुनो रोए चीखें या फिर गिड़गिड़ाए, सुनो मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं, सुनो मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं, सुनो मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं, सुनो के सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है,
क्या बताऊं मेरा कौन हमदर्द है, जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। आ गई है हजारों बलाएं सुनो, आ गई है हजारों बलाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, के आईने सामने आईने के जो होते हो तुम, शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम, बेटियां जब सरेआम लुटती हैं तो हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम, सर पटकने गली किसकी जाए सुनो, सर पटकने गली किसकी जाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। और इसका इसकी आखिरी पंक्तियां के नफरतों की नई आंधियां ओढ़कर, नफरतों की नई आंधियां ओढ़कर, मैं पड़ा हूँ यहाँ सिसकियां ओढ़कर, नफरतों की नई आंधियां ओढ़कर, मैं पड़ा हूँ यहाँ सिसकियां ओढ़कर, ऐसी दिल्ली पे लानत हो हाकिम जहां, ऐसी दिल्ली पे लानत हो हाकिम जहां, कब से बैठा है खामोशियां ओढ़ कर, कब से बैठा है खामोशियां ओढ़ कर, मेरी सांसों पे पहरा भला किस लिए, रूह पर जख्म गहरा भला किस लिए। बहुत खूब जी इमरान बिल्कुल प्रतापगढ़ी जी, आपने बिल्कुल जो हो रहा है वो बिल्कुल सामने रख दिया। अब देखते हैं कि आपको ये नज्म सुनाने का मौका मिलता है कि नहीं। इमरान जी, एक सवाल है मेरा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले तो इस तरह से नहीं करते थे कि सवालों के जवाब ना देना, सवालों से भाग जाना या चुप रहना। आप लोगों ने, लग रहा है, प्रधानमंत्री को कायदे से डरा दिया है। क्यों डरा दिया हमारे प्रधानमंत्री जी को? देखिए, ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इससे पहले वो महिलाओं के जो अपराध है उस पर कभी बोले नहीं, बोले कभी नहीं बोले। आप इतिहास उठा के देखिए, महिलाओं के अपराध पर प्रधानमंत्री जी कभी नहीं बोले, सिर्फ उन्होंने झूठी बातें की। आपको याद होगा पिछला 15 अगस्त, जब लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी ने महिला अधिकारों पर, महिला सशक्तिकरण पर भाषण दिया था, मैंने वो भाषण सुना था, और उस भाषण के महज 1.5 घंटे 2 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस के जो बलात्कारी थे वो रिहा किए गए, और सिर्फ रिहा नहीं किए गए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उनको मालाएं पहनाई गई। प्रधानमंत्री जी जी चुप, सम्मान किया गया, मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने महिला अधिकारों महिलाओं पर पर बोला। बोला हो ना बोला हो, लेकिन राहुल गांधी लेकिन के इसमें इशारे पर, कोई राहुल दो राय गांधी नहीं, पर, दूसरे राज्यों पर कई बार बोलते नजर आए हैं प्रधानमंत्री। इसमें कोई दो राय नहीं प्रज्ञा जी, कि इस बार प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट, प्रधानमंत्री जी की घबराहट दोनों दिख रही है। प्रधानमंत्री जी का जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रहा है कि जब से अपोजिशन ने एकता स्थापित की है और नाम बदल करके उसका नाम इंडिया रखा है, और जब से उन्हें महसूस हुआ है कि ये लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए है, तब से उनके शब्दों में एक जो है वो थरथराहट है, बौखलाहट है। और उसके तुरंत बाद मणिपुर का वीडियो आ जाना देश के सामने, मुझे लगता है कि राहुल जी को मणिपुर जाने से ये सरकार इसीलिए रोक रही थी, क्योंकि तो मणिपुर की जो सच्चाई है वो इतनी कड़वी है, इतनी कड़वी है कि जिस दिन पूरी तरह से देश के सामने आएगी ये सरकार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, और उस वीडियो के बाद नहीं रह गई है मुंह दिखाने लायक।
तो ऐसे में डरे हुए हैं, सदन में आने की जो है वो हिम्मत नहीं कर रही है सरकार। और इस वजह से कभी राजनाथ सिंह जी, कभी गृह मंत्री जी कहते हैं कि हाँ हम चर्चा के लिए तैयार हैं। ये वही गृह मंत्री जी है ना जिन्होंने 3-4 दिन जाकर के ये बताया था मणिपुर में कि सब शांति हो गई है, उसके बाद इस देश को पता चला कि ये घटना तो उससे पहले की थी। और जब गृह मंत्री जी अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे थे तब तक नरेंद्र मोदी जी से ही आपको जवाब क्यों चाहिए? पूरे विपक्ष को नरेंद्र, अरे गृह मंत्री जी चर्चा करने के लिए आ रहे हैं, उनसे बात कर लीजिए। मुझे मुझे हैरत है कि प्रधानमंत्री जी जवाब, मुझे जवाब या सब विपक्ष को या जवाब क्यों चाहिए से ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देंगे। क्या प्रधानमंत्री जी सिर्फ शोपीस है? क्या प्रधानमंत्री सिर्फ 10 लाख के सूट पहनेंगे? क्या प्रधानमंत्री सिर्फ वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के लिए बनाए गए हैं? क्या प्रधानमंत्री सिर्फ 8400 करोड़ के लिए बनाए गए हैं? प्रधानमंत्री अगर देश की लुटती हुई बेटियों की असमत पर आकर के सदन में नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे और क्यों नहीं बोलेंगे? सवाल ये है। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी को खुद आ जाना चाहिए और मिल करके पूरे विपक्ष को भरोसे में लेकर के मणिपुर को भरोसा दिलाना चाहिए कि नहीं मणिपुर आप इस देश का हिस्सा है और आपका दर्द बांटने के लिए पूरा देश आपके साथ खड़ा है। लेकिन आपने तो मणिपुर को बेसहारा छोड़ दिया है। और वो विपक्ष जो मणिपुर की आवाज उठाना चाहता है उसके माइक बंद कर दे रहे हैं, उनके सांसदों को निलंबित। मेरा सवाल यही है इमरान प्रतापगढ़ जी, मेरा सवाल यही है, जैसे इस वक्त पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं देश के एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन माइक न जाने क्यों गड़बड़ हो रहा है। लेकिन एक अच्छी चीज है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर माइक दोनों के पास है, आप भी म्यूट कर सकते हैं, हम भी म्यूट कर सकते हैं, आप भी चला सकते हैं, हम भी चला सकते हैं। लेकिन संसद में क्या हो रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा कि माइक बंद कर दिया जा रहा है, उनके मैं मौजूद था, मैं मौजूद था जिस समय। हाँ जी, क्या हुआ? खड़गे जी और खड़गे जी का माइक बंद कर दिया गया। लीडर ऑफ अपोजिशन की एक गरिमा है और उनका एक अधिकार है। संसदीय परंपरा में लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों को लगभग बराबर के अधिकार है। लेकिन कल जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी का माइक बंद किया गया वो बहुत देर तक, एक तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन को समय ही नहीं देते और बमुश्किल आपने बड़ी चीख चिल्लाहट के बाद जब समय दिया तो समय देने के बाद वो बोल रहे थे, आपने माइक बंद कर दिया। आज क्वेश्चन आवर चल रहा था, जैसे ही कोई सांसद सवाल करते करते उसमें मणिपुर शब्द ला देता था तुरंत उसका माइक बंद कर दिया जाता। मतलब अगर ये देश संसद की कार्यवाही को और संसद में माइक बंद करने की जो नई परंपरा शुरू हुई है उसको अगर ज्वलंत आंखों से देख ले तो उसका संसदीय परंपराओं से विश्वास उठ जाएगा। मुझे हैरत है जो मैं देख रहा हूं, एक नया सांसद हूं, मुझे साल भर हुए हैं महज, मैं बड़े सपने सजा करके इस देश की संसद में आया हूं कि मुझे महिला अधिकारों पर बात करना है, नौजवानों के बेरोजगारी पर बात करना है, महंगाई पर बात करना है। लेकिन आप विश्वास करें प्रज्ञा जी कि हम थक के चूर हो जाते हैं, हमें समय नहीं मिलता। आज पी चिदम्बरम जी ने कितना महत्वपूर्ण बात सदन में उठाया जिस पर बाद में लीडर ऑफ हाउस के इंडिकेट करने के बाद चेयरमैन साहब नाराज भी हुए। उन्होंने कहा कि हमने कई सांसदों ने मणिपुर पे क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं हो रहे। जीरो आवर मणिपुर पे आप लगा दीजिए, एक्सेप्ट नहीं होगा। स्पेशल मेंशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। सदन में आके दो, आप सोचिए 51 सांसदों ने 267 में नोटिस दी। इससे पूर्व में मतलब 7 साल से आज तक ये सरकार 267 पे चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई। तो हटा दीजिए ये नियम, फिर विपक्ष की क्या जरूरत है? एक साथ सबको सस्पेंड कर दीजिए। आपने संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया जिस तरह से गुस्से में आकर के, क्योंकि मणिपुर पर हम सवाल उठा रहे हैं। तो क्या मणिपुर बैन है इस देश की? एक दिन आप नोटिफिकेशन कर दीजिए, बुलेटिन जारी कर दीजिए कि मणिपुर का नाम लेना जारी मतलब अपराध है, मणिपुर पे जो नाम लेगा उसको सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो मणिपुर से इतनी दिक्कत क्या है, क्यों है इतनी दिक्कत इमरान जी? क्योंकि मणिपुर की जो हिंसा है वो मणिपुर सरकार द्वारा का फेल्योर भी है और मुझे लगता है उसके द्वारा प्रायोजित हिंसा भी है। सरकार जानती है कि सदन में चर्चा होगी तो पूरे देश के सामने भाजपा सरकार बेनकाब हो जाएगी। डबल इंजन की सरकार है वहां पे, प्रधानमंत्री जी के पुराने भाषण देश के सामने हैं। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से पिछले 3 महीने लगभग होने को आए हैं, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर चीख रहा है, मणिपुर रो रहा है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अपने आलीशान बंगले में सो रहा है, चुप है, बोलने को तैयार नहीं है। पूरी सरकार जिसे चर्चा में भाग लेना था वो चर्चा से भाग रही है, बात करने को तैयार नहीं जी।
मृणाल प्रताप कड़ी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। लास्ट में थोड़ा माइक, मुझे लग रहा है दर्शकों को आवाज में कुछ लगा होगा, लेकिन मैं जानती हूँ आपने इतनी एनर्जी से अपनी सारी बातें और मेरे सारे सवालों का जवाब इतनी बेबाकी से दिया है, लोग सुन करके जरूर समझेंगे इमरान प्रताप कड़ी ने जो बोला है वो बात वाकई बिल्कुल दिल को छू गई है। थैंक यू सो मच इमरान। आपका भी शुक्रिया, आप अच्छी पत्रकारिता कर रही है, मेरी शुभकामनाएं आप।